गोवर्धन भगवान के पूजन की कथा है राठौर कैसेट के माध्यम से, साथ साथ में काली नांग मर्दन की कथा भी इसी में है कि भगवान कृष्ण कालिया नांग को कैसे नाचते हैं। जिस समय राक्षसों को भेजा है और राक्षस कोई भी जाकर लौट करके जिंदा नहीं गया तो कंस को बड़ा कष्ट होता। इधर कंस की कचहरी में जब नारद जी पहुंचे हैं तो कंस ने बड़ा सुंदर आसन दिया और नारद जी को बिठा लिया। जब नारद जी ने कंस का चेहरा देखा है तो नारद जी क्या बोले हैं, कहिए कंसराज, चित्त तो प्रसन्न है। नारद बोले, राजा तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है? क्या बात है, दिन है बसंत के खिलने पर कली से उड़ती जाती है। तेरा फूल जैसा मुंह कुमला क्यों रहा है मथुरा नरेश? शंखा है तोय कहू दुश्मन की तो धावा करके हराए डालो, और भीतर ते कछु रोग भाव तो आधार पे दवा कराए डालो। ए भीतर ते कछु रोग भाव आधार पे दवा कराए डालो। अरे आप इतने परेशान नजर क्यों आ रहे हैं? अगर तो किसी दुश्मन की शंका है तो फौजें लेकर के हमला कर दे, और अगर कोई रोग हो गया है तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा। तो इतने वचन सुने हैं तो कंस बोला है, अरे सुन नारद के बेन गिरा उचारी, हमने जैसे करो इलाज बड़ी बीमारी। महाराज जैसो जैसो इलाज करो तैसी तैसी बीमारी बढ़ी। महाराज एक गोकुल में नंद कहता था, भोला और गरीब, भोलो और गरीब जो गैयन से गुजर चलाता था, भोला और गरीब। महाराज कंस राज ने कही, नंद जो अहीर मतवारो गैया चराई चराई के घर को कर लो गुजारो। बिना कछु उसके फिर आए, और अब है पैसा बालो ऐसे मोए लोगन समझाए। कही जब नारद ने बानी, ओ कंसराज महाराज बन गए बिल्कुल अज्ञानी। कंस कहने लगा, वो बड़ा गरीब था अहीर, लेकिन अब बड़ो पैसा वालो है। तो नारद जी बोले, एक बात बताओ, अगर काऊ ने दो पैसा मेहनत करके इकट्ठे कर ले तो तुम काहे को जले भोने मरे जाते हो? भक्त की चाल पकड़ती है और दूसरे की दौलत देख के तुम पे बिजली पड़ती है। कहा बानंदन बिगारो है और काहे को आज अहीरन पे तू गुस्सा भारो है। तो कहने लगा है राजा कंस, नारद जी बापे हमें जलन काहे को है? बताऊं,
गोकुल क्यों गो छोड़ी के बिंद्रा बनिया बाद करो रे के बिंद्रा बनिया बाद करो और बाहिर की बुद्धि बन मोटा बर्बाद करो ताली को भारी ताली को भारी और पेशे और बलराम के बागे है सोयो तारी काल वो मेरा कहते हैं और उन्हीं के हाथन से मरे जो किसी बताते हैं ज्योतिषियों ने बताया है कि जो कृष्ण और बलराम व नंद के दो छोरा हैं उन्हीं के हाथों से मेरी मौत है इसलिए मैं ज्यादा परेशान हूं। नारद जी कहने लगे बा भैया बोलो बंधन क्या होगा अब धागा कच्चे से और तुम खूब डरिए राजा वो अहीर के बच्चे से जो कोरी छाछ को पिया करे और दूध दही को ओठन से न धोरी धूमर किया करे बताओ कोरो मठा पिलंदर वही रू और बातें डर के मारे सूखी है। सुनो जेल को फिर से खोल दीजो और वृंदावन के यही रखो अब ठोक के दे दीजो फिर से जेल खोल ले अरे कन्हैया को मारो तो तेरे लाइन गुड़ियन को खेल है ओरे बाबरे उन अहीरों में हिम्मत क्या है डंडा तक उनकी हिम्मत है हूं हूं तक ताकत है। अरे मठा पिलंदर अहीरों से डर गया बड़े शर्म की बात है और क्या बोले नारद जी। तो राजा कंस कहन लगो क्या करूं जवाब दो सारे अहीरों को जेल में डाल दो और फिर सवेरे मुंह धो के एक अहीर को रोज कलेव करो जेल में तो निकाल निकाल सब अहीरों को मरवा दो। तो कंस कहने लगा वैसे दिल की बात करें तो हाय जब चुटकी लेती है और खुल के कछु करें मेरी हिम्मत काम न देती है क्योंकि अहीरों से दुश्मनी मोल ले ली हमने तो क्रांति हो जाएगी। अरे कोई ऐसी अकल तो बता दे जैसे नियम भी उल्लंघन न हो अहीरों का मैं नाश कर दूं। तो क्या जवाब दिया है नारद ने नारद बोले सीधी सी हाय तुम आज्ञा दे दीजो कमल के फूल काली दे में उनको तो मंगाई लीजो कौन बा नांगत जावे गो हरा फिट करी न लगे के रंग जब चोखो आवे गो कौन बा काली ते जावे गो कौन बा काली ते जावे गो हरा फिट करी न लगे के रंग हाय चोखो आवे गो। बात सुने कंस तो हरसायो और कागज कलम मंगाए कि खत रबुआ से भिजवायो कि जो वृंदावन में आयो और नंदन चिट्ठी पढ़ी प्राण जब फौरन घबरायो हाय अब कहा करे दैया और मेरे बेटन की फंस गई है अयोध्या में नैया। कह दिया है नारद जी ने हम अकल बता दे कमल के फूल काली देह में से मंगाओ और काली देह में कालिया नांग रहता है किसी अहीर की हिम्मत नहीं है जो जाकर के फूल तोड़ लाए और जब फूल ना आए तो सारे अहीरों को तुम जेल में इस बहाने से डाल देना और फूल लेने जो जाएगा वो कालिया नांग के जहर से मर जाएगा। चिट्ठी लिखी गई जो बाबा नंद ने चिट्ठी पढ़ी है कलेजा कप गया और रोने लगे। मैया जसोदा आंगन में रोने लगी कहने लगी अब तो कंस को खोलो बहुत दांत मेरे दोनों ललन पे है और तोलो भगवान कन्हैया आए गए कान लगे मैया मुझे माखन रोटी दे दे मांग रे माखन रोटी गोपाल भैया Thank you.
मांग रहे हाँ मांग रहे माँ कने रोटी कन्हैया भैया, मांग रहे माँ कने रोटी गोपाल भैया, मांग रहे माँ कने रोटी गोपाल भैया। जसुदा बैठी आंगन में रोवे, जसुदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे, आंगन में रोवे। जकी कप रही बोटी बोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी कन्हैया भैया। मारे श्याम कहीं बन बैठा है साथ, कहीं लेता समान, कहीं योगी कहीं नांद, कहीं जंगम झमेला है, कहीं करता है राज, कहीं फिरता मोहताज, कहीं बेहा कहीं काज, कहीं दूल्हा लुबेला, कहूँ हिंदू कहूँ तुर्क, कहूँ नूर कहूँ हुरक, कहूँ सूर कहूँ सुरक, कहूँ गुरु कहूँ चेला, जब अंत अपार वेद पावे नहीं पार, और है तो जो अकेला पर अनेक खेल खेला है। मोई माखन रोटी दे दे। जसोदा मैया बोली खाए ले माखन रोटी, लला जू अंतिम दिन माखन मिश्री को है, का पतो अब तो भांजी को तरसना पड़े, माखन और रोटी से लला अब तेरी भेंट ना हुए, तेरे बाबा कहूँ बंदे हुए, तेरी मैया कहूँ बंदी हुए। भगवान कन्हैया कहने लगे माँ बस कौन सी घटना घटने वाली है, सारे नाते टूट जाएंगे, अरे वो कौन मुसीबत टूटने वाली है जो माखन मिश्री छूट जाएंगे। मैया कहने लगी लला हम नहीं बताए पे, अपने बाबा से पूछ ले। अब बाबा के पास कन्हैया गए और कहने लगे बाबा किस दोसर वाले के डर से तुम्हारे दिल में हलचल मच गई, तुम शायद नहीं जानते हो कि हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है, बताऊं कितनी ताकत है, देखने में पतले लग रहे हैं। जो भैया मारेगा एक लात तो सात कोस उड़ जाएगा मोहन के एक तमाचे में, मोहन के एक तमाचे में वो नीचल उठने पाएगा। भैया 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 मारेगा एक लात तो सात को सूड़ जाएगा मोहन के एक तमाचे में वो नीचल उठने पाएगा। बात तो बताओ बाबा नंद कान लगे अरे यादव चंद जा दिन से तोय पाव जन भगवान की कहा लीला है, मो एक मिनट को चैन ना मिलो, नए नए कोतक रचाए कंसन है, लेकिन मेरे कुल देवतन की कृपा रही जो लला तो पे आँच ना आई। अब जो नौ फरमान आओ के काली देह में से कमल के फूल तोड़ के लाओ, और काली देह में कालिया नांग रहा तो लला बिना डसे ना माने को, साफ जाए रोही रही है कि अगर कालिया नांग ने छोड़ ना दो खाए लियो तो मारे गए, और फूल ने जो कचहरी में ले गए तो उसमें साफ लिखा है कि सारे अहीरों को जेल में डाल दिया जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा जेल में देने की धमकी लुच्चा लफंगाओं को देखें, मेरे लिए जेल नहीं है सत्याग्रह मंदिर है, अभी तक कुल के देवताओं ने मेरी रक्षा की, अब भी रक्षा करेंगे, हमें माखन रोटी दे हम खाए चले। हाय कन्हैया ने माखन रोटी खाई और निकलिए। दामा मनसुका संकीर्ण मदन छदामी चलो गेंद खेले आए।
दामा कान लोगो भैया, हाँ मेरी मम्मी ने कल गेंद बनाई बहुत अच्छी है, कन्हैया कान लोगो तो तू ही अपनी ले चल। दामा कान लोगो हम नहीं ले चले, हमारी गेंद गई और हमारी गेंद खोई तो मेरी मम्मी दोबारा उन्हें बनाए। कन्हैया कान लगे सारो कल हमारी खेन तो रहो अपनी छाती दुकान धरे चल, तो मेरी खोई ना जाए ना खोई जे। हाँ दामा गेंद लेके चलो और का कहा जा तो दामा, मेरी मम्मी ने गेंद बनाई गे चलो, खेल मचाए हम जीते और कन्हैये हराए, आधार की कछु चतुराई के चलो खेलिए। मेरी मम्मी ने मेरी अम्मी ने गेंद बनाई के चलो खेलिए, मेरी मैया ने काली दे पे खेलन आयो री जसोदा को प्यारो लाला, काली दे पे खेलन आयो री जसोदा तेरो लाला, काली दे पर खेलन जसोदा तेरो लाला, काली दे पे काली दे पे खेलन आयो री जसोदा तेरा लाला, काली दे पे खेलन आयो री जसोदा तेरा लाला। ए काए की पट गेंद बनाई, काए की पट गेंद बनाई, हाँ काए की पट गेंद बनाई, हाँ काए की पट गेंद बनाई, हाँ काए की पट गेंद बनाई, काए को डंडा लायो री जसोदा तेरो लाला, खेलन आयो री जसोदा तेरो लाला, काली दे पे खेलन आयो री जसोदा तेरो लाला। ए रेशम की पट गेंद बनाई, हाँ 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 रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद, हाँ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, चंदन डंडा लायो री जसोदा तेरो लाला, ओ जसोदा
जसोदा काली दो पे खेलन आयो री जसोदा अरे मारी टोल गेंद गई देह में मारी टोल गेंद गई देह हाँ मारी टोल गेंद गई देह हाय मारी ए मारी टोल गेंद गई देह ए मारी टोल गेंद गई देह ए गेंद के संगे भायो री जसोदा रे जो गेंद गई है काली देह में एकदम से दामा झपटा कमर पकड़ ली कन्हैया गेंद भगवान बोल बात सुन दामा 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 कान लगो सारे बात बाद में गेंद पहले हमने पहले के मेरी गेंद ने खो जाए भगवान कहने लगे दामा मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगला वरना अब मेरी बारी है और सड़े हुए पीतम्बर को देखिए दामा बोला है कि मेरी गेंद दे दो तो कन्हैया बोले अरे ना कुछ मसले पर भैया क्यों बिस्सो खाड़े देता है सड़े हुए चिथड़े पर तू पीतम्बर फाड़े देता है पीतम्बर फाड़े मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगला वरना अब मेरी बारी है तो तमाचा लग बैठा जो एक तमाचा लग बैठा तेरी खत्म होई दम धोरी है याद रख जो मेरा झटका लग बैठा तो मुंह से लोऊ डालेगा आधारो तेरी खैर नहीं आधारू तेरी खैर नहीं जो बैर कृष्ण से पालेगा राठौरी और तेरी खैर नहीं अभी लाखो तेरी खैर नहीं जो बैर कृष्ण से पालेगा अरे मेरी कमर को छोड़ दे दामा कहने लगा कन्हैया लाल मैं तुम्हें भली भांति से जानता हूँ तुम बड़े बाप के बेटे इसलिए मेरे ऊपर घुड़की दिखा रहे हो हमारी गेंद फेंक दियो मेरी तमाचा मार दोगे लेकिन श्याम सुंदर याद रखना बड़े बाप के बेटा हो यो घरे और जब खेलन आए तो हम तुम सब बराबर हो तुम एक तमाचा मारोगे तो हमारी भी लाठी हिलती है दद माखन तुमने खायो है दद माखन तुमने खायो है तो छाछू हमें भी मिलती है और एक बात और बता रहा हूँ कन्हैया उस बल की बारी आई है जो हमें यहाँ दिखलाते हो कंसने फूल मंगवाए हैं कंसने फूल मंगवाए हैं देखें तुम कैसे लाते हो तुम बहादुर हो तो फूल भी तुम्हारे आगे हैं और तुम भी पूरे बलधारी हो और फूलों को तोड़ के ले आओ तब हम जाने के तुम बनबारी हो ध्यान रखना अब तो भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया दामा से कमर छुड़ा ली है और कदम की डाल पे कन्हैया लाल चढ़ गए कहने लगे दामा
फूल फूल चिल्लाता है फूल ही तोड़ के लाऊंगा, और पाताल लोक में भी होगी तेरे गेंद ढूंढ के लाऊंगा। जो कंस की धौंस दिखाता है उसे भी देख लूंगा, तेरे सामने में उसका चूरा बना डालूंगा। इतना कहकर के भगवान कन्हैया काली देह में कूद पड़े। ध्यान रखना, जो काली देह में श्याम कूदे हैं एकदम से ब्रजमंडल में हाहाकार उठी है। सब दामा को गालियां देने लगे, अरे कमीना तूने सड़े हुए चिथड़ा पे पीतम्बर वाले को खो दिया। और फौरन ही ये भाग करके मैया यशोदा के पास जाते हैं। जिस समय मैया यशोदा ने सुना है कि भगवान कन्हैया जो है काली देह में गिर पड़े हैं, हाय हाय हालत खराब हो गई। कैसे मैया यशोदा व्याकुल होके भागी है। यशोदा चिल्लाई धार मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए, ओ नंदन छाती पीट कही, मेरे कुमार कन्हैया कहाँ गए। वृंदावन वाले बोल उठे, ओ ब्रज रखवाले कहाँ गए, आधार की आत्मा सिसक पड़ी, आधार की आत्मा सिसक पड़ी, मेरे बंसी वाले कहाँ गए। भाग पड़ी मैया यशोदा भगवान कन्हैया को ढूंढबे के लें। दिल को दामन गिर चलो गो, दिल को दामन गिर चलो गो, काली देह में आहिर चलो गो। दिल को दामन दिल को दामन गिर चलो गो, काली देह में आहिर चलो गो, दिल को दामन गिर चलो गो। हालत खराब हो गई। जो मैया यशोदा दौड़ के गई है काली देह पर, बलराम ने मैया यशोदा को पकड़ लिया और कहने लगे, मैया तू क्या कर रही है, क्या कृष्ण तेरे लड़के असाधारण बालक हैं। अरे मैया इस भ्रम को छोड़ दीजिए, वो त्रौभन के नायक हैं और वो काली देह में से अभी आ रहे हैं। यशोदा मैया को रो के कहने लगी, अरे बेटा मैं कैसे धीर रखूं, जो श्याम शरीर है श्याम नीर में समा गया है, ये श्यामा गैया श्याम श्याम कह करके बेटा श्याम को रमा रही है, ये सामले बिना लाल लकुटे सामला रंग दर्शा रही है, हे कृष्ण जल्दी आ जा। और रो कर के यशोदा मैया बोली हैं, क्या कृष्ण अवतारी हैं। बलराम बोले, हाँ अवतारी हैं। तो मैया यशोदा बोली हैं, बलराम बिन रहे आया बतारी है, हम दोनों ही तरह भिकारने, ओ बलराम बिन रहे आया बतारी है, हम दोनों ही तरह भिकारने, बलराम कन्हैया दिखलाए दे, बलराम कन्हैया दिखलाए दे, बक प्रेम की हम ही पुजारिन हैं। यशोदा की कैसी हालत है, आधार कैसे मुख से बोले, गैया बाबा माँ चीख रही, पंछी रह गए चोंच खोले। बलराम ने यशोदा को पकड़ लो, तुम यहीं बैठी रहो, अबे आए रे। और इधर कन्हैया काली देह के अंत स्थल में पहुंचे जहां मौत भी पन्हा मांगती है। कालिया नांग सो रहा है, बाकी चारों नांगनियां जग रही। और जो नांगनियन ने कन्हैया को देखो, एक नांगनी बोली, ओरी बहना
है जूजन कौन को लला चलो आओ। अरे बहना जा जल्दी लौट आ रही हो न पिया की जो को फुसका लग गई तो जगो ढांच बिगड़ो धरो। अरे बहना जू कौन को लला है। अब दूसरी बोली, अरे बहना बड़ो चटकीलो है। अब तीसरी बोली, अरे बहना बड़ो मटकीलो है। अब चौथी बोली, अरे बहना बड़ो हटीलो है, सीधो ही चलो आ तो। लेकिन जानते हो जो भगवान की मूर्त उन नांगनियन ने देखी कितने सुंदर हुए, तूने पूछो इतने सुंदर रहे, गोला गोला मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, वो आंखें इतनी रसीली रहे कि हिरणिया शरमाए जाए, और नाक तो कन्हैया की ऐसी रहे कि शर्म के मारे सुआ उड़ी जाए, ओठ संतरा कैसी खापे। आह, देख कर मनोहर की छवि को विषधारिन बनी पुजारिन है आधार प्रभु की मूरत पर, आधार प्रभु की मूरत पर मर धारिन भाई भिकारिन है, देख कर मनोहर की छवि को विषधारिन बनी पुजारिन आधार प्रभु की मूरत पर, आधार प्रभु की मूरत पर मर धारिन भाई भिकारिन है। ए लड़के कैसा सीधे आगे भागा चला आ रहा है, मेरे पिया की अगर आंख खुल गई तो श्वास में तेरी श्वास का अंत हो जाएगा, जल थल की कौन कहे, नव मंडल में पक्षी भी नहीं उबरने पाता है, और तू सीना को ताने हुए आ रहा है। भगवान कन्हैया कहने लगे, और इन नागनी तो किसकी रागनी सुना रही है, जिसका तू नाम बता रही है, जिसकी रागनी सुना रही है, मैं उसी के पास आया हूँ, हमें वृथा में क्यों डरा रही है। और सुन, जे दे जगा तन कया पने पति को मोए बात उसी से करना है, जब मरबे को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है, जब जगा दे अपने पिया को। नांगन कान लगी है जो गूंदर आसो लला कैसो छटकत, अरे जा मैया रो रो के मर जाएगी, नेकसो छोरा और मेरे पिया से टक्कर लेने आया है। भगवान कहने लगे, नांगनिया तू शायद मुझे जानती नहीं, हम ऐसे छोटे बालक को ते पिया का गर्भ गिराएंगे, हम अहीर बंसी वाले हैं और बंसी यहाँ बजाएंगे। जगा कछु धीरे धीरे बोलिए, कछु धीरे धीरे बोलिए तब हसन लगे राठौर, कछु धीरे धीरे बोली है बोली है बोली। नहीं जाओगे तुम यहां से? भगवान कहने लगे, नहीं जगाएगी तू अपने पिया को। अंगेला बड़े भगवान कन्हैया, और भगवान ने कहा करो, नांग की पूछ पे श्याम ने जब लात धर के मारी, आ, आ। और कालो नांग तो एकदम रे भन्नाई उठो फुसकारी, सतर ही चलो आओ सतर, और कहते हो तो ना क्या करिया की पूछ पाँव परियो, ओरे भैया भन 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 साना नाना धोने करे बू तो मान मोहन से लिपट गए, हनी हनी के फन मारता हुआ, हनी हनी के फन मारता हुआ बू तो श्याम सुगर से चिपट गया। हाँ आ हाँ आ हाँ, निकालत ही बक
मुंह से धागे छूट पड़ जमुना को पानी खोली उठो हाँ फूं हाँ फूं हाँ फूं 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 कार निकालत ही बख मुंह से धागे छूट पड़ जमुना को पानी खोली उठो ज्वाला की लपटे फूट पड़ी हाँ फूं पूरा बदन कस लिया और जब पूरा बदन कस लिया भगवान कन्हैया इतने गर्म हो गए कि एकदम कालिया हटा और जो कालिया हटा तो क्या हुआ घबरा कर काली दूर हुआ तो मनमोहन ने हाथ किया झटका नथुनी पे टका गई घबरा कर काली दूर हुआ तो मनमोहन ने हाथ किया झटकाते नथुनी पिचकाई दई और काली नांग को नाथ लिया नाथ लिया नाथ लिया नाथ लिया और थे 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 था ना 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 हाँ थन पे पहुंच गए नटबरिया धान को बाजा बंद भो थन पे पहुंचे जब मनमोहन थे थे जब नटबर किया धान को बाजा बंद भो मुरली बाजी मुरली धर की आधार को बाजा बंद भाव मुरली बाजी मुरली धर की मुरली बाजी थे 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 था ना 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 फूं हाँ ओ हाँ थे 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 थिरक थिरक बसुरी बाजी जब नटवर की आधार को बाजा हाँ फूं हाँ फूं आधार को बाजा बंद भव मुरली बाजी मुरली धर रुक गई सांस भव गलो बंद भो बात आप ही ज्वाल हुई जमुना को पानी बह चलो खून बाके मुख से जमुना की धारा लाल हुई अररर हाँ सररर हाँ धाई 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 और थेई 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 थिक थिरक थिरक थेई 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 थिरक 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 थेई 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 बजी बसुरिया नटवर की नांगनिया अब व्याकुल हुई गई मुरली सुन के मुरली धर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने कालिया नांग को नाथ लिया है। अब वो चारों नांगनियां हाथ जोड़ के श्याम के सामने आ गईं और क्या बोली हैं? गोपाल तुम्हारी जय हो बे ओ बंसी बाले जय हो बे कीजिए महाराज। नांगनिया बोली हम तामसी जीव हैं आपके भाव को नहीं समझ सकी। आप मेरे पति की भिक्षा दीजिए मेरी चूड़ियों को अमर कर दीजिए। भगवान कहने लगे तेरे पति को तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन तुम अब यहां नहीं रहोगे तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। तुम्हारे जहर से सारा पानी जहरीला बन जाता मेरी गैया बछड़ा जब पानी पीते हैं तो वो मर जाते हैं। अब नांगनिया बोली महाराज
रमणक द्वीप पर तो गरुण रहता है, वो मेरा भक्षण कर लेगा। भगवान कहने लगे तुम्हारे फनों पर हमारे पगों के चिन्ह हैं, इसलिए गरुण तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। हाँ मेरी गेंद कहाँ है? एकदम से नागनिया ने गेंद दे दी है। भगवान कहने लगे गेंद हमें ला, जाने तुम्हें जो अमरी कर दिया होता, ये गेंद तो मुख है। अब ऐसा करिए आप दो छपरियां फूल तोड़ करके बाहर ले चलिए, कंस मामा ने मंगाए, कालिया नांग ने फूल तोड़े हैं। और जिस समय बाहर कन्हैया निकले, अरे भैया कछु न पूछो, मैया जसोदा झपट परी लला को गोद में ले लो। हाय लला तो का सूझी, तुम वो वैसे छोड़ के चलो आओ। हाय लला तो कौन को डर हतो जो तू जा में घुसे परो। हाय लला तो कालिया नांग ने क्यों ना खाओ, तेरी बात कैसे मानियो। हाय लला तू कैसे बचियाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया जो हम रोटी खाए के निकले, सोई सब ग्वाला कहने लगे चलो गेंद खेले आए, और मोह निबल जाने के हियन सब भजान लगे, और मेरो हाथ हलिया सो गेंद काली दे में चली गई, और मोह ग्वाला मारे बे को दौड़े सो इंसान के डरे के मारे हम कदम की डाले पर चढ़िए, सो काऊ ने डाल हिला दी में झम दी से काली दे में घुसियो। हाय लला जब तू काली दे में घुसी हो लला, जब कालियन तेरी बात कैसे मान ली, लला जाने खाओ तो क्यों ना। अब भगवान बोले जो हम भीतर गए, जो कालिया नांग को देखो स्वयं सिकुड़ के बैठी है, फूट फूट के रोने लगे, सो कालिया नांग ने पूछी क्यों आया। सो हमने कही मो राजा कंस ने पटाओ, जो कंस को नाम सुनो सुईया नांग की नानी मरी आई। सो कंस के डर के मारे मो खाओ ना और फूल ले आए। तो आलम मन सुखा कान लगो सारे गाल मत चला, मेरे मारे बचियाओ ना तेरे मासू को पतो ना लगा। तो मनसुखा की बात सुन के कन्हैया कान लगे कह रहे सारे तूने क्या करो, मनसुखा कान लगो हमने क्या करो, जो तू काली देह में गिरो सो हम सब चिल्लाए उठे खबरदार हम आई है, खबरदार हम आई है। तो हम कंस ने कालिया नांगन समझी के कंस के दूत चढ़े आए, कंस की फौजे चढ़े आई, ता सुनाए खाओ तू। इस तरह से काली नांग को नाथो भगवान ने, और सुबह जो हुआ है दावा नल का पान भी किया था रात्रि में, क्योंकि दावा नल खोल गया था, सब यादवों की श्याम ने रक्षा की है। एक दिन का जिक्र है, वाई वृंदावन में ग्वालन ने बहुत बड़ा त्योहार मनाओ, यानी इंद्रदेव के पूजन के लिए तैयारी होने लगी। जब इंद्रदेव के पूजन की तैयारी होने लगी तो एकदम से भगवान कन्हैया सोचन लगे कि ये अहिर लोग जो हैं अब इन्हें असल तत्व का ज्ञान नहीं है, ये अंधी गत से चले जा रहे हैं, इन्हें सच्चे पथ की पहचान नहीं है, हमें दूसरे बहानों से वेद का मार्ग प्रगटाना है, और जो माया की जो अंधी राहों में भटक रहे हैं हमें इन सबको सत्य की ओर ले जाना है। तो भगवान कन्हैया ने देखा है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब आहिर लोग इंद्रदेव का पूजन किया करते थे, तो उन्हें यदवंशियों को ज्ञान कराने के लिए श्याम सुंदर ने देखा कि पूरी पकवान आदि लेकर के ग्वाले बाले आने लगे हैं, और पूजन अर्चन करते करते इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। तो मोहन ने सोचा कि अब इन्हें समझाना चाहिए, तो भगवान कन्हैया पहुंचे जाकर के मैया यशोदा से, और मैया यशोदा से बोले हैं कि मैया आज ये नया उत्सव किसके लिए मनाया जाता है, और किसकी सेवा सत्कारों के लिए सामान जुटाया जाता है, ये नए नए साज लिए हुए ये ग्वालिनियाँ क्यों आ रही हैं, और ये रस भरे राग किसके लिए सुना रही हैं। तो उसी समय बाबा नंद बोले हैं कन्हैया जिनके हाथों से हम सबका आजीवन पालन पोषण होता है, इस कृष्ण कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इंद्रदेव का हम लोग पूजन करते हैं, जो मेघों को आज्ञा देकर के धरती पर जल बरसाते हैं, जो रिद्ध सिद्ध उपजा करके अपना धन धान बढ़ाते हैं, ब्रजवासी उन्हें मनाने के लिए हर साल उत्सव मनाया करते हैं, और मेह की यातना करते करते उनका पराक्रम गाया करते हैं। हे बाबा अबे पुरानी चाल आप बदले नहीं हो, क्यों ये बात ठीक है, इष्ट देव केवल अपनी श्रद्धा तक हैं, फिर भी ये तात पूछता हूँ ये इंद्र कहाँ का मालिक है। आसन पाया है हमने अपनी मूर्खता से, अब उसे इष्ट ठहराया है। अरे इस इंद्र का आप लोग पूजन करते हैं, अरे जाने थोड़ा सा यज्ञ हवन करके अगर इंद्रासन पा लिया तो तुम लोगों ने अपनी मूर्खता से उसे देवता मान लिया,
एक बात मैं आपको बताऊंगा, क्या जब दुनिया बड़े अंधेरे में है, और ये बात बिल्कुल सत्य है भगवत प्रेमियों, जब दुनिया कैसी अंधेरे में है बताएं, जब दुनिया कैसी अंधेरे में सो बताएं, अंधेरी दुनिया, कितनी दुनिया अंधेरी है, अंधेरी दुनिया भूल भुलैया मैं भुलानी, ये अंधेरी दुनिया हाँ, ये अंधेरी दुनिया हाँ। भूले भुलैया मैं भुलानी ये अंधेरी दुनिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब दुनिया भूल भुलैया में कैसी है तो बताएं। मुफ्त में मिल रहो प्रभु को ना मुझे तापर व्यंग उठा दे, मरे गढ़े मर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे, जे अंधेरी दुनिया, जे अंधेरी दुनिया हाँ, जे अंधेरी दुनिया हाँ। बताऊं, साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बने निशाचर से भी, ओ ब्रह्मा विष्णु महेश सुन माने पूजे नकटी देवी, जे अंधेरी दुनिया हाँ, जे अंधेरी दुनिया सुनो, जे अंधेरी दुनिया। और बताऊं, और दुखिया सासु जो पानी मांगे तो लाठी लेके आवे, अगर सासु ने पानी मांगो तो लठिया दिखाती, और भीखन देते जीते जी मर गए तो रही करावे, जे अंधेरी दुनिया हाँ, जे अंधेरी दुनिया हाँ। भूले भुलैया मैं भुलानी जे अंधेरी दुनिया, बाबा ऐसी श्रद्धा पर मैं थूकता हूं, जिस तरह से हर जगह ब्रह्म सूर्य की धूप है, इसी तरह हर चीज ब्रह्म के रूप है। स्वर्गमा सर्वभूतान ज्ञातमा शांत मूर्छत, सर्वभूतों में परमात्मा व्यापक है, इसलिए हर चीज पूजने के लायक है। अगर तुम विशेषता देते हो तो सुनिए बाबा, हमारा सबका मालिक गोवर्धन है, हमें गोवर्धन भगवान का पूजन करना चाहिए। और बताओ, तो पूरा जीवन हो गया गोवर्धन को पूजते, वो इंद्र का पूजन करते करते कभी इंद्र भोजन करने आया, चलिए गोवर्धन को पूजिए, गोवर्धन भगवान आज खुद प्रकट होकर के भोजन करेंगे। जिन पे हमारी गैया बछड़ा किलोले कर रहे हैं, अरे हमें उनका पूजन करना चाहिए कि भाई इंद्र का पूजन करते। यदवंशियों का धर्म है कि वो अपनी मिट्टी भारत भूमि की पूजा करें। अच्छा, अब तो कन्हैया की बात मान ली सबने, अब सखियां चली झाड़ बुहाड़ के चारों दिश से, जल को छिड़काव करो गोवर्धन को, चंदन अक्षत फल फूल दूब गोवर्धन पर चढ़वाने के लिए आने लगे, लड्डू पेड़ा पूड़ी मेवा माखन दही दूध ये सब सखियां लेके चली, अच्छी अच्छी चुनरियां पहन के, गीत गाती जाती, कैसे गाती जाती। अब सभी लोग बड़े प्रेम से बोलना, गोवर्धन को पूजन हो रो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ, ए ना माने मेरो मनुआ हाँ, ना माने मेरो मनुआ हाँ, ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। सात कोश को दिए परिक्रमा, सात कोश को दे परिक्रमा, सात कोश को दिए परिक्रमा, पूजन करे सुरजन की अम्मा, पूजन करे सुरजन की अम्मा, अरे मैं चंदन फूल चढ़ाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने।
सी पहली पेनिया, सुंदर सी पहनी पेनिया, पूज रही राठौर की दुल्हनिया, खाड़ी है अबला की सजनिया, मेवा खूब चढ़ा मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ में तो बड़े हिसाब से पूजती जइयो और कछु दक्षिण चढ़ाती जइयो दक्षिणा और मन ही मन में कछु मांगती जइयो गोवर्धन भगवान का पूजन हो रहा है, पूजन हो रहा है। और ये भी ध्यान दे लेना, सखियां गा रही हैं सखियां, ए सात शेर की करी करैया, सात शेर की करी करैया, ये सात शेर की करी करैया, शेर की करी करैया, पूजन को चल भई सब भैया, चल भई सब भैया, पूजन को आए गई सब भैया, आए गई सब भैया, अब चंदन फूल चढ़ाए मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ इधर तो भगवान बन गए पुजारी और उधर गोवर्धन भगवान में प्रकट हो गए हैं अंदाजा लगाना। इधर तो पुजारी बनकर के भोजन चढ़वा रहे हैं, उधर गोवर्धन में प्रकट होकर के भोजन खा रहे हैं। वारे लीलाधर तेरी जय हो, तेरी जय हो, जय हो नंद के लाला तेरी जय हो। अरे ओ गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो, अरे ओ गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। गोप दही चढ़े और खीर चढ़े, दही चढ़े और खीर चढ़े, गोप दही चढ़े और तो पे खीर चढ़े और दही चढ़े, खीर चढ़े और दही चढ़े, तो पे खीर चढ़े और दही चढ़े, अरे तो पे चढ़ती दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रे हो, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे हो। तेरी अखियां सुंदर प्यारी हैं, तेरी सुंदर प्यारी है, तेरे नैना बड़े रसीले हैं, नैना बड़े रसीले हैं, देखत में बड़े कटीले हैं, देखत में बड़े कटीले हैं, अरे कोई पुडबा रहो आधार तेरे माथे मुकुट विराज रे हो, उस ओर उठाते हैं आंखें सुरमर मुन तक दहलाते हैं, इस ओर मनोहर शोभा पर या पाई नैन लग जाते हैं। देख लीजिए इधर तो कन्हैया पुजारी हैं और उधर ठाकुर हैं, बेगिर पर है गिरा उन पर है गिर पर है या गिरधारी, स्वामी भाई स्वामी ये बई दास भी बई ठाकुर है बोई पुजारी है, बई स्वामी है बई दास है बई ठाकुर है बई पुजारी है। इस तरह से वृंदावन वाले लोगों ने इंद्र के पूजन को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया। इधर क्या हुआ, सब वृंदावन वाले चले आते हैं। राजा इंद्र को सारी रात इस आशा में कट गई है कि हमारा पूजन होगा। अब तो राजा इंद्र कहने लगा बाहर जंगली गमारो मेरे उपकारों को इतनी जल्दी भूल गए हैं। तो नारद जी आ गए, नारद जी कहने लगे अरे इंद्र
दुनिया ने करवट बदली है, उलटा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर बन गए तो देव, अब इंद को ना ही ठिकाना है। बोलिए इसके बदले में क्या किया जाए। नारद जी कहने लगे, अरे जरा से अहीरों ने इंद्र तेरी नाक काट ली, तेरे पूजन को छोड़ के गोवर्धन का पूजन करवा दिया उन यदवंशियों ने। इंद्र कहने लगा, महाराज ब्रज में स्वराज्य हो चुका है और नंद राय का छोकरा सबका ताज बन गया। दो दिन से दस नए पैसे उन चरवाओं ने पाए हैं तो बरसाती नाला बनकर के सीमा के बाहर आ गई। वो इसी शान के मतवाले हमसे दुश्मनी बढ़ाते हैं। चीता जब मरने को आता है, आधार पंख जमे आते हैं। ए, मेघों को आज्ञा दे दी इंद्र ने, इतने जोरों से गहरा कि धरती के पलट उड़ जाए और इतनी जोरों से लड़ जाओ कि कानों के पर्दे फट जाए। और सुनो, देवभद्र पटक गोवर्धन पर धरती से नीचे पहुंचा, पशुवन में महाप्रलय कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। पशुवन में महाप्रलय कर दो, खेती पर ओले बरसा दो। अब क्या हुआ, काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे हैं और वृंदावन पे बिजली टूटने लगी, 49 पवन छन्नाने लगे हैं। दिन अमावस भादों का हो गया, हाथ पे हाथ दिखाई नहीं दे रहा है और यह भी पता नहीं लग रहा कि कौन कहां को जा रहा है। अब तो वृंदावन वाले आए, मूसलाधार वर्षा को देखकर श्याम के पैर पकड़ लिए। काना, तेरे कहने से मैंने गोवर्धन का पूजन कराया और इंद्र मेरे ऊपर प्रकोप कर रहा है, मेरी रक्षा करो। और रोकर के क्या बोले, देख लो दशा कन्हैया, देख लो दशा। दीवारे फटती जाती है और छते बैठती जाती है, चर चर करके पेड़ टूट रहे हैं, बर्फ की सिलाएं आती है। सब चौपट है, ब्रज पे भूचाल दिखाता है। आधार को इतनो हो सुनाए, अब कौन कहां को जाता है। कन्हैया कहने लगे, घबराओ नहीं। आगे बढ़ करके श्याम सुंदर ने वो 7 कोस लंबा पहाड़ उठा करके अपनी छिनगुनिया अंगुरिया पर रख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आ जाओ वृंदावन वाले, गोवर्धन भगवान छतरी बन गए। हाय जो इतने वचन सुने, गैया बछड़ा दोहनिया मटकियां लली लला सबन लेके घुसिए गोवर्धन के नीचे। वर्षा बराबर हो रही है लेकिन बूंद नहीं पड़ रही। आप लोग सोचते होंगे क्यों गिरे इतना ज्यादा, गर्म हुआ बूंद भी नहीं ठहराती है। गिरे इतना ज्यादा, गर्म हुआ बूंद भी नहीं ठहराती है, और धार भाप बन जाती है, आते आते उड़ जाती है। भगवान की लीला लख लख के आशा बन गई नर नारी की, आधार चौंक के बोली उठो, अब दे हो कुंज बिहारी की। हाय तोल मैया जसोदा आएगी, कहन लगी ओ वृंदावन वाले हो, हाय मेरे लला पे पूरो भार छोड़ के सब ठाड़े ठाड़े दांत बाए रहे हो। अरे मेरे लला की बांह थक जा तो ने गोवर्धन को नीचे तुम्हू ले लीजो अपने हाथन पे। सो एकदम से राधा रानी खड़ी थी, लोगों ध्यान रखना, जो राधा कृष्ण को बहुत ही प्यार करती थी, दिल को दिल से राहत होती है, एकदम से राधा आगे पहुंची है और जो भगवान से आंख मिली है तो राधा भी मुस्करा गई, भगवान भी मुस्करा गए। सो यहां तो हल गो मनसुखा, कान लगो हट पिछेला राधा ने
तू सबकी चटनी बटवाए। हट पीछे। इन सात दिनों में छड़ भर भी एक नगीनी रखी रुकी नहीं। इस पर भी ब्रज मंडल पे अब बूंद भी भैया पड़ी नहीं। इतनी बारिश होने पर वृंदावन पे बूंद भी नहीं पड़ी। इंद्र कहने लगा तो अब रुक जाओ, इधर क्या हुआ। तब तक से आवाज आती है, कन्हैया अब रख लीजिए गोवर्धन को, अब तो बादल फट गया है। सूर का मुंह दिखाने लगा। उसी समय श्याम सुंदर ने गोवर्धन को नीचे रख लिया। राजा इंद्र आकर के भगवान के पैर पकड़ने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो,